संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक नया विषय लेकर के आए हैं, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को थोड़ा सा विस्तृत में जानने का प्रयास करेंगे, कारिकाओं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सांख्य कारिका की एक एक श्लोक की जो व्याख्या की गई है, अगर आप पुस्तक से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि 10-10 पेजों में एक एक श्लोक का जो आर्य छंद में लिखा गया है, श्लोक व्याख्या की गई है। वाचस्पति मिश्र जी ने इसको बड़े अच्छे से व्याख्यित किया है। सांख्य कारिका को थोड़ा सा जानेंगे और श्लोकों के माध्यम से जानेंगे और 14-15 वीडियो में हम उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो बनाई थी हमने इसकी शुरू की, थोड़ी सी उसमें गलती थी, उसमें एक शब्द को थोड़ा गलत बोल दिया था और उसकी वही मुख्य है जो गलत बोला गया था, इसलिए मैंने उसको हटा करके इसको दोबारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी शब्द गलत ना हो, जिसके कारण कोई भी समस्या हो, इसलिए मैं बोलता हूँ अक्सर कि पुस्तकों से अध्ययन करते रहें, जिससे कि कोई समस्या उत्पन्न ना हो। बिना पुस्तकों के कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें छूट ही जाती हैं। सांख्य कारिका हमने जान लिया है, सांख्य कारिका के जो रचनाकार हैं ईश्वर कृष्ण हैं, ठीक है। सांख्य कारिका में सांख्य शब्द जो बना है, संख्या शब्द से बना है, अण प्रत्यय लगने पर, संख्या में अण प्रत्यय लगने पर सांख्य शब्द बन जाता है। और सांख्य जो शब्द बना है, सम उपसर्ग है और ख्या धातु है, इसमें आंग और टाप प्रत्यय लगने से संख्या शब्द बना है। सांख्य शब्द से सीधा तात्पर्य है गिनती से संबंधित, या गिनती जिसकी की जाए या संख्या गिनी जाए, संख्या से संबंधित, ये मान के चलिए। तो इसमें 25 तत्वों की चर्चा की गई है। सेश्वर सांख्य योग दर्शन को बोला जाता है, वहां 26 तत्व हैं, वहां ईश्वर तत्व को और जोड़ दिया गया है, बाद बाकी 25 तत्व यही हैं, इसीलिए योग दर्शन को सेश्वर सांख्य भी बोला जाता है। सांख्य दर्शन बहुत ही दर्शनों में सबसे उच्च श्रेणी में रखा जाता है। भगवान बुद्ध, महावीर जैन जो भी विद्वान हुए हैं, उन्होंने सांख्य दर्शनों के माध्यम से अध्ययन किया। भगवान श्री कृष्ण श्री भगवत गीता में जब बताते हैं तो अभी सभी दर्शनों में सबसे ज्यादा अपने आप को सांख्य दर्शन से संबंधित ही बताते हैं, इस तरह से ये व्यवस्था है। हम इसमें मैंने कोई भी दर्शन दिए हैं, एक मित्र है हमारे, वो सही कह रहे थे कि एक या दो वीडियो ही बनी है प्रत्येक से, लेकिन एक दो वीडियो मैंने उन चीजों की बनाई है जो लगभग उसके बाद में फिर कुछ बचता नहीं है, उसके बाद में फिर कंटस्ट करने वाली चीजें बचती हैं, क्योंकि सिलेबस इसका जो पाठ्यक्रम है संस्कृत का बहुत विस्तृत है, छोटा पाठ्यक्रम नहीं है। तो विस्तृत में जानने के अगर एक के ही पीछे पड़े रहें, जैसे मैं शुरू में कारक और संधि को समझाने का प्रयास कर रहा था तो 6 महीने लग गए उनको समझाने में, तो इतना समय इसमें मुझे लग रहा है कि 2 साल में भी ये पूरा कोर्स नहीं हो पाएगा और प्रतिदिन मैं वीडियो बना नहीं पाता, मेरे साथ ही समस्या है। तो अब उसमें मान लीजिए इसमें 70 कारिकाएं हैं, एक छोटा सा हिसाब, 70 कारिका, और प्रथम जो कारिकाएं हैं शुरू की, वो एक एक कारिका 10-10 पृष्ठों में की गई है व्याख्या, लेकिन 70 कारिकाओं के हिसाब से तो 700 पृष्ठ होने चाहिए इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कम ही पृष्ठ है, 200-250 होंगे मुश्किल से। तो क्या हुआ कि शुरू की जो भी कारिकाएं हैं वो कठिन है, उनको समझाने में ज्यादा समय खर्च होता है और ज्यादा विस्तृत हो जाते हैं। दर्शन कोई सा भी ले लीजिए आप, सभी दर्शन, तर्क भाषा को जब मैंने अध्ययन कराया तो बताया था कि इसके शुरू की चीजें अगर आप समझ गए तो फिर आगे कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसमें एक वीडियो और बना दी जाए, फिर उसके बाद 90% हिस्सा खत्म हो जाता है तर्क भाषा में भी। ऐसे ही इसके अगर शुरू के आपने 10 कारिकाएं समझ ली सही से, तो 3-3 के हिसाब से समझाने का प्रयास करूंगा शुरू में, फिर बाद में ज्यादा लेंगे क्योंकि ज्यादा समझाने का प्रयास करेंगे, तो इसमें फिर कुछ बचेगा नहीं। 3 वीडियो देख लीजिए सांख्य दर्शन में, उसके बाद में फिर कंठस्थ करने वाली चीजें रह जाती हैं, समझने वाली चीजें खत्म, ठीक है। ज्यादा नहीं समझाएंगे इसमें, सीधे कारिकाओं पर चलते हैं, 3 कारिका लेंगे।
प्रथम है, थोड़ा ऐसे लिखूंगा यहां समझाऊंगा, प्रथम है दुख त्रया अभी घाता जिज्ञासा तद अब घातके हेतु। ठीक है, थोड़ा लिख दूँ उसके बाद में फिर समझाऊंगा, कोशिश करूंगा बड़े अच्छे समझाने का, और आज के बाद फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा देखूँ साफ आ रहा है नहीं आ रहा। दृष्टे सापार्था चा नेकांता त्यंता त्यंततो अभावात। दूसरा है दृष्टवत आनुश्रविकः सा हे अविशुद्धि क्षयातिशया युक्तः। तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात। ठीक है, तीसरा एक और है, उसके बाद यहां व्याख्या करेंगे। मूल प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त। षोडशकस्तु षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर् न विकृतिः पुरुषः। चलिए अब थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, इसमें कोई गलती तो नहीं है, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे सीधे। ठीक है, दुख त्रय अभिघातात् जिज्ञासा तद अभघात के हेतु दृष्टि सा पार्थ चेत नेकांत अत्यंत तो अभावात् दृष्टवद आनुश्रविक सहे अवशुद्धि अतिशय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् मूल प्रकृति विकृति महदादया प्रकृति विकृति असत षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। ठीक है, अब एक एक चीज को देखते चलेंगे, इसके बाद में आपको फिर कोई समस्या नहीं आने वाली है। दुख की बात कर लेते हैं, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं दुख त्रया। तो दुख त्रया में आता है, एक प्रथम स्थान पर आता है आध्यात्मिक, दूसरे स्थान पर आता है आदि भौतिक, तीसरे स्थान पर आता है आधिदैविक। ठीक है, ये तीन दुख माने गए हैं। आध्यात्मिक को थोड़ा सा जान लें, फिर आगे चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक जो शब्द बना है, वैसे अगर आध्यात्मिक की हम विग्रह करना चाहें तो समास में जाएंगे, आप सब जानते हैं आध्यात्मिक को बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, अविभाव समास में आत्मनि अधि, अर्थात आत्मा से संबंध जिसका हो। ठीक है ना, तो आत्मन एक शब्द होता है, आत्मन के रूप भी चलते हैं आप सब जानते हैं। तो वहां यहाँ जो आत्मन शब्द लिया गया है दो रूपों में लिया गया है, शरीर के रूप में लिया गया है और दूसरा मन के रूप में लिया गया है। ठीक है, शरीर शब्द से सब जानते हैं कि शारीरिक
बनता है और मन से मानसिक, इसी को शरीर को व्याधि बोलते हैं और मन को आधि, ठीक है, आधि और व्याधि। अब इसमें जानने की चीजें हैं, एक बार अर्थ समझा दूं इसको पहली लाइन का। दुख त्रय अविज्ञाता जिज्ञासा तद अवघात के हेतु, तीन दुखों के कारण या तीन दुखों से प्रताड़ित होता हुआ तद अपघात के हेतु, उसको दूर करने के कारण को जानने की इच्छा से, जानने की इच्छा हुई, ये मान के चलिए तीन दुख हैं उनसे प्रताड़ित। सांख्यकार का क्यों पढ़ें, ये प्रश्न उठता है अक्सर। तो सांख्यकार का को पढ़ने के दो तीन कारण हो सकते हैं, या तो मान लिया जाए कि संसार में दुख है ही नहीं तो सांख्यकार पढ़ने की जरूरत नहीं है, या दुख के निवारण बाहरी जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं उनसे हो जाते हैं तब भी सांख्यकारिका का कोई उद्देश्य नहीं पढ़ने का। तीसरा ये भी हो सकता है कि सांख्यकारिका का बिना अध्ययन किए वैदिक उपायों वगैरह से भी उन दुखों का निवारण हो जाता है, तब भी इसको सांख्यकार को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। ये मैं आगे इसमें चर्चा करूंगा, बताऊंगा, इसमें बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे हम। तो इसलिए हमको सांख्यकारिका पढ़नी चाहिए कि दुख त्रय हैं, ये माना है, जब दुख त्रय हैं तो उनको हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए कोई और उपाय नहीं है, इसलिए सांख्य दर्शन ही एक माध्यम है उनको हटाने का। तो इसमें यही बोला गया है, और उसमें दुख त्रय में प्रथम जो है वो आध्यात्मिक है, आत्मन यानी शारीरिक और मन के जो रोग होते हैं वो आध्यात्मिक रोग के अंतर्गत आते हैं। शरीर में होने वाले रोग आयुर्वेद के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं, ये सब जानते ही हम, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ शरीर के रोग होते हैं, इनसे ही सर्दी जुखाम से लेकर के कैंसर तक जो रोग हैं वो हो जाते हैं, तो उनको शारीरिक रूप के अंतर्गत रखा गया है। मन में जो रोग दिए गए हैं वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या असूय द्वेष जो कुछ भी है विकार मन के, वो मानसिक रोगों के अंतर्गत आते हैं, तो वो दोनों मिलाकर के आध्यात्मिक दुख हो जाते हैं। तो दुख कौन से हुए, आध्यात्मिक दुख दो भाग हुए, शारीरिक और मानसिक, ठीक है। शारीरिक बात पित्त कफ से उत्पन्न होने वाले सर्दी जुखाम से लेकर कैंसर तक रोग, और मन में काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष से उत्पन्न होने वाले कष्ट, क्योंकि उनसे मन में कष्ट होता है तो वो भी रोग के अंतर्गत रखा गया है, वो दुख आध्यात्म के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। ये प्रश्न आ जाता है, इसको याद रखना है आपको। भौतिक शब्द जो बना है वो भूत शब्द से बना है, इसका मतलब है प्राणी। प्राणी कोई भी हो, जब भी कोई कष्टकारी हो जाता है, वो सांप हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, कीड़ा हो सकता है, चीटा हो सकता है, छोटा सा हाथी हो सकता है, चीता हो सकता है, शेर हो सकता है, मनुष्य स्वयं मनुष्य के लिए कष्टकारी हो सकता है, वो सब प्राणी भौतिक के अंतर्गत आते हैं, आदि भौतिक के। इसी में ही प्राकृतिक आपदाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया है, जबकि प्राकृतिक आपदाओं को अगर दैविक आपदाएं तो इसमें मानी जानी चाहिए, लेकिन सांख्यकारिका ने भौतिक के अंतर्गत रखा गया है। भूकंप आना, सुनामी आना, तूफान आना, आंधी आना, बाढ़ आना, पहाड़ का खिसल जाना, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सब आदि भौतिक के अंतर्गत आती हैं, उनसे होने वाले दुख दूसरे प्रकार के दुख माने गए हैं, प्रथम आध्यात्मिक, दूसरे आदि भौतिक, ठीक है। आदि दैविक के अंतर्गत यक्ष हैं, राक्षस है, विनायक है। विनायक को भी यहां भी विघ्नकर्ता के रूप में माना गया, अर्थात वो कष्टकारी होते हैं। विनायक को वैसे गणेश जी के रूप में भी माना जाता है, और उनको हम जानते हैं विनायक विघ्नकर्ता ही है एक तरह से। वो देवी देवताओं से भी इसमें यक्ष रखे गए हैं, दानव रखे गए हैं, राक्षस रखे गए हैं, विनायक रखे गए हैं, और इसका विस्तृत अध्ययन करना है तो आप सांख्यकारिका से अध्ययन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी व्यवस्था इसमें दी गई है। तो इसमें होने, इनसे होने वाले कष्टों को, दुखों को तीसरी श्रेणी में रखा गया। तो तीन प्रकार के दुखों से प्रताड़ित होता हुआ व्यक्ति जब देखता है कि बाहर के दुख दूर होते ही नहीं, दुख बाहर के जो भी उपाय हैं उनसे दुख दूर नहीं होते, तब उनके
हटाने के लिए, हटाना भी दो प्रकार का होता है, एक बार हटा दिया फिर दोबारा से आ गया तो हटाना नहीं माना जाता, निवृत्ति हो ऐसी निवृत्ति हो को फिर दोबारा से वो उनका वापस आना खत्म हो जाए, वापस ना आए तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता, तो उसको हटाने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। किसी ने कहा कि क्यों जिज्ञासा करनी, क्यों सांख्य कार्य का अध्ययन करो, नीचे की कार्य का यही श्लोक यही कहता है कि दृष्टे सापार्ता चेत, इसलिए क्योंकि दृष्ट जो है, दृष्ट का मतलब यह वैद्य आदि है, याद रखना आपको, दृष्ट का मतलब वैद्य जो उपाय करते हैं औषधि वगैरह से, उनसे रोग दूर करने का उपाय करते हैं, उनसे ना तो एकांत ना अत्यंतिक रूप से दोनों रूप से दुखों को निवारण नहीं हो पा रहा है, दोनों के लिए अभावात दोनों का वहां अभाव पाया जाता है। कैसे थोड़ा जान लो, इसमें बुखार ले लेते हैं, छोटी सी व्यवस्था है बुखार की, सबको आता है, महीने में एक दो बार आई जाता है, साल में दो बार तो आई जाता है, जब भी संधि काल आता है तो बुखार की चपेट में, सर्दी जुखाम की चपेट में हर व्यक्ति आता है, तो वो वैद्य के पास जाता है। इसमें दो शब्द दिए गए हैं, एकांत और अत्यंत, ठीक है, एकांत शब्द से ही एकांतिक बना है, अत्यंत शब्द से आत्यंतिक, तो इसको थोड़ा जान लो। एकांत का मतलब होता है कोई कष्ट हुआ आपको, कोई दुख हुआ, रोग हुआ, उदाहरण के तौर पर बुखार हुआ, तो उसको निवृत्ति हो जाना, बुखार की दवाई ली और निवृत्त हो गया तो वह एकांतिक हो गया। फिर अत्यंतिक का मतलब क्या है, आत्यंतिक, इसका तात्पर्य है कि बुखार गया, हुआ बुखार कभी जीवन में जब तक जिंदे रहे तब तक वो वापस ना आए, तो इसके लिए ये प्रयोग किया गया है, अर्थात वो फिर बुखार नहीं आता। लेकिन इन दोनों का यहां बोलना है ना अभाव, ऐसा दोनों का अभाव पाया जाता है, कभी कभी देखा जाता है कि बुखार की कुछ लोग गोलियां खा भी रहे हैं, खाते 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 वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके बुखार का निवारण भी नहीं हुआ, और ये आप जानते ही हैं, सब सामान्य अध्ययन करते ही हम लोग सब, कि बुखार से इस दुनिया में सबसे ज्यादा मृत्यु होती है, इस कारण से नहीं बुखार आया, बुखार की दवाइयां एलोपैथिक खाने से दुनिया में सबसे ज्यादा मृत्यु होती है, कैंसर से भी ज्यादा, लगता कैंसर है लेकिन बुखार से सबसे ज्यादा मृत्यु होती है ये आंकड़ों के अनुसार। तो एकांतिक निवारण नहीं हुआ, वैद्यों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा जितनी भी चल रहे हैं, आत्यंत की तो बात ही छोड़ दें, तो यहां पर वही कहा गया कि दृष्टि से अपारता चेत एकांत एकांत तो अभाव, अर्थात जो कुछ दिखाई पड़ता है बाहरी उपाय, वो एकांत और आत्यंतिक दोनों रूप से उसमें अभाव पाया जाता है, अर्थात उनका निवारण नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, अब आगे चलते हैं, मैं इसको हटा के, ये चर्चा होती रहेगी, थोड़ी सी और चर्चा चलेगी इसमें, अगली कार्य का और कह रही है एक और, इसमें ये पूरा हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा। इसी की तरह ये कह रहा है कि दृष्टवत आनुश्रविक, कहा दृष्टवत मतलब वैद्य आदि जो उपाय हमने देखे थे उसी तरह से आनुश्रविक, आनु श्रविक किसको कहते हैं, वेद उपाय, वैदिक उपाय को, ये वैदिक उपाय भी आनुश्रविक मतलब वैदिक उपाय, वो भी क्या होते हैं, ही अवशुद्धि क्षय अतिशय युक्ता, वैदिक उपाय भी नहीं करते काम, ना एकांत रूप से ना अत्यंत रूप से, अर्थात वेद का जो अध्ययन करते हैं, कंठस्थ करते हैं, वेद को पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं कि आपने सर सुना होगा ओम जय जगदीश हरे, कहत शिवानंद स्वामी, शिवानंद स्वामी नाम के एक बहुत उच्च कोटि वैज्ञानिक रहे हैं, उन्हीं के नाम से शिवानंद लिखा गया है, तो उन्होंने कभी एक घोषणा कर दी कि ओम के उच्चारण से इस जीवन के कष्ट को ही नहीं इस मृत्यु के भी पार जाया जा सकता है, तो उनके मित्र बहुत वैज्ञानिक थे, तो मित्र भी अच्छे थे, माने कि वैज्ञानिक अमेरिका में रहते थे, उन्होंने कहा, थोड़ी सी कहानी है, कि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर यहाँ क्यों सर्च करने, यहाँ क्यों आविष्कार करने, वो दौड़ दौड़े भागे भागे आए और शिवानंद जी से मुलाकात की, वो उनके आश्रम गए, आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया तो उन्होंने कहा मुझे शिवानंद जी का मित्र हूं मैं और मुझे उनसे मिलना है, तो उनके जो शिष्य रहे होंगे उन्होंने कहा कि शिवानंद जी आप किसी से नहीं मिल सकते इस समय, उनकी उनसे कहो तो जाकर के मैं उनका मित्र हूं, वो जरूर मिलेंगे मुझसे, उसकी ठीक है कह देता हूं मिलेंगे तो, लेकिन इस समय वो बीमार चल रहे हैं, तो शिष्य तो अंदर गया
और शिवानंद जी के जो मित्र थे वो बाहरी बाहर चले गए। उन्होंने कि पहले तो उन्होंने जो कथन कहा था कि यहाँ की जो बीमारियां हैं उनको बीमारी से ही क्या मृत्यु से भी पार जाया जा सकता है, ये तो बीमार खुद पड़े हैं, कहने में और करने में बड़ा अंतर हो गया, तो इसलिए वो वापस चले गए। तो यही वैदिक उपायों की चर्चा इस में भी की गई है कि वैदिक उपायों से भी कष्टों का निवारण नहीं होता। क्या है, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, नंबर एक। दूसरा है अक्षय हो जाता है, यदि उनसे कोई भी पुण्य प्राप्त कर भी लो तो उनका नाश हो जाता है। तीसरा है अतिशय से युक्त है, ठीक है। शुद्ध क्यों नहीं है, तो आपने अर्थ संग्रह एक पुस्तक है उत्तर मीमांसा की, एक होती है पूर्व मीमांसा, एक होती है नहीं पूर्व मीमांसा की, उत्तर मीमांसा की नहीं पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत। तो पूर्व मीमांसा की पुस्तक है, उसमें सारे वैदिक उपायों के यानी वैदिक यज्ञों के बारे में वर्णन किया गया। तो वहां यज्ञ में जो विधान किए जाते हैं वो दो प्रकार से यज्ञों में हिंसा दिखाई गई है। इसमें जो मानते हिंसा मानते वो नहीं मानते, हिंसा वो नहीं मानते, ये मानते हैं सांख्यकार का वाले उसको हिंसा मानते हैं, ठीक है, दोनों में अंतर है। वो हिंसा है, एक तो होती है धान्य की, धान जानते हैं आप जो है गेहूं है बाजरा है अन्य जितने भी प्रकार के अन्न है उनको कूटा पीसा जाता है और वो सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो कहते हैं कि इसको ही हिंसा ही हो गई किसी चीज की प्रकार की। दूसरे हैं पशु हिंसा, यानी पशु को भी काटना मारना पीटना जो भी है, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा हो गई। इसलिए वैदिक उपाय शुद्ध नहीं है। वहां यदि हवन भी किया जाए यज्ञ भी किया जाए जिससे कि रोगों को दूर किया जाए तो वहां हिंसा हो जाती है, इसलिए वो उन्होंने एकांतिक आत्यंत रूप से इनको माना ही नहीं, ये अशुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया छह, चलो मान लिए हिंसा भी ना मानी जाए लेकिन उनसे जो भी सिंचित कर्म होते हैं, मान यजेत स्वर्ग काम यानी स्वर्ग की जब कामना करते हैं तो यज्ञ करें, यज्ञ करने वाले स्वर्ग पहुंच जाए, तो सिंचित कर्म जो थे वो स्वर्ग में पड़े 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 खत्म हो जाते हैं, उसके बाद स्वर्ग से फिर वो पृथ्वी पर आता है। अब स्वर्ग की क्या परिभाषा वो अपने आपसे अध्ययन करिए, मानसिक स्थितियां होती हैं, हालांकि हमारे यहाँ कुछ और व्यवस्था है, खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, बहुत बड़ी हो जाती चीजें। तो छह हो जाता है उनका, फिर वो दुख में पड़ने लग जाते हैं। तीसरी जो है अतिशय से युक्त है, हमारे देश में आप जानते हैं कि शास्त्र को भी शस्त्र बना लेते हैं, इसका उदाहरण बहुत बड़ा मिल जाएगा, अष्टावक्र के जो पिता थे उनको भी मरवा दिया गया था, और आज भी यदि कोई बहुत कंठस्थ कर लेते हैं ग्रंथों को तो अपने आप को बहुत उच्च कोटि का विद्वान समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है वेदों को कंठस्थ कर लीजिए, उपनिषद को कंठस्थ कर लीजिए, सारे दर्शनों को रट लीजिए, आप कभी भी उस ब्रह्म को जानने योग्य नहीं रहेंगे। उपनिषदों में साफ साफ दिया है कि लोग कंठस्थ कर करके आ गए वेद, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने ब्रह्म को जाना, कि ब्रह्म क्या है, कि जाइए, जब तक आप ब्रह्म को नहीं जानते तब तक आप ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। तो कंठस्थ करने से यहां अहंकार बढ़ता है, रोग नहीं खत्म होते, मानसिक रोग बढ़ जाते हैं खत्म नहीं होते। कैसे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए सन्यासी हैं, संन्यास तो उसमें उदाहरण के तौर पर आचार्य लीजिए, आचार्य शंकराचार्य जिनको बोलते हैं, चार शंकराचार्य को एक मठ में बिठाइए, एक मंच में बिठाइए और सन्यासियों को बुलाइए, उनको भी बिठाइए, तो उनके जो मंच होंगे उन पर आसन अलग अलग बनाए जाएंगे, किसी का ज्यादा ऊंचा बनाया जाएगा, किसी का उससे थोड़ा सा नीचे बनाया जाएगा, उसका कम जानते उनको थोड़ा सा और नीचे बनाया जाएगा, जैसे कैटेगरी बट रही हो, छोटे बच्चों की छोटी, बड़े बच्चों की बड़े बड़े, ऐसा करके हिसाब लगाया जा रहा। तो क्या है वो मानसिक विकृति का ही एक उपाय है, उससे अहंकार को बल मिलता है, इसलिए कह गया अतिशय से युक्त है। जो ज्यादा चार वेदों को जानकर चतुर्वेदी वो ज्यादा विद्वान, त्रिवेदी तीन वेदों का विद्वान है वो छोटे पे बैठेगा, द्विवेदी जो दो वेदों का है वो और छोटे बैठेगा, जो एक भी वेद नहीं जानता उसको बैठे आसन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ ये समस्या है, वेदों से कहीं किसी चीज का उपाय नहीं होता, अहंकार को परिणति होती है, कुछ श्रेष्ठ भावना की ग्रंथि से पागल हो जाते हैं, कुछ हीन भावना की ग्रंथि से मर जाते हैं, इसलिए है अतिशय से युक्त बताया है। वैदिक उपाय को भी इन्होंने नहीं माना, इसलिए भगवान बुद्ध वेद की तो निंदा करते हैं लेकिन सांख्यकार का अध्ययन करते हैं, महावीर जैन वेद की तो निंदक हैं लेकिन सांख्यकार का के वो
अध्ययन करके ही केवल लोग प्राप्त मतलब ज्ञान को प्राप्त होते हैं, जैन बनते हैं। ये बड़ा विरोधाभासी है। और जबकि हम जानते हैं कि सांख्य कर का भी सांख्य दर्शन भी कहीं ना कहीं वेद से ही निकला है। किसी भी प्रकार से मान लीजिए आप सभी दर्शन वेद से ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से निकले हैं। ठीक है, खैर उस पर नहीं जा रहे अब। तद विपरीत श्रेयाम, अब इन दोनों उपायों से हटकर के भी कुछ है उपाय, तब उन्होंने कहा है कि तद विपरीत श्रेयाम उनसे भी श्रेष्ठ उपाय है। सांख्यकार का कहते हैं कि क्या उपाय है, व्यक्त अव्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त को जान लो अव्यक्त को जान लो और ज्ञ को जान लो। आप केवल जानने मात्र से विवेक, इसमें कहा गया विवेक होने मात्र से आप सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, पता चल जाए बस आपको। व्यक्त क्या है, सारी इंद्रियों से जो कुछ व्यक्त का मतलब जो व्यक्त है जो दिखाई दे रहा है, सारी इंद्रियों से 11 इंद्रियां माना गई हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, इन 11 इंद्रियों से जो कुछ दिखाई पड़ता है वो व्यक्त के अंतर्गत आता है, उसको जान लो। अव्यक्त जो मूल प्रकृति है, इसी की चर्चा चलेगी पूरे में, मूल प्रकृति, इन तीनों की चर्चा चलेगी पूरे में, पूरी सांकार का में कुछ है ही नहीं, इनको जानना इनको पहचानना इनको कैसे किया कि यही चर्चा चलती रहेगी। मूल प्रकृति है उसको जान लीजिए, ज्ञा मतलब पुरुष, पुरुष को जानो, इन तीनों को जान लीजिए आपको सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, ये इस कारिका का कहना है। अब बात आती है समझ में आ गया इतनी बात कि इनको जानने से तो होती कौन कौन सी है ये तीनों, इनकी विस्तृत में अगली कारिका प्रस्तुत की गई है, देखते हैं। इनमें से एक प्रश्न आ जाता है आपको इसको भी अध्ययन करना है, कह रहे हैं ये मूल प्रकृति अव्यकृति, नंबर 1 स्थान पर जो रखी है मूल प्रकृति दे रखी है, ठीक है, दूसरे स्थान पर दे रखी है महद आदि आद्या प्रकृति विकृति 7 यानी सप्त दे रखी है महत आदि, तो महत हो गया एक, इसको बुद्धि तत्व ही बोलते हैं, ठीक है याद रखना है। तीसरे स्थान पर हो गया अहंकार, चौथे स्थान पर हो गया तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्राएं मानी जाती हैं, इन्हीं से 5 से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो 5 5 ये 1 ये 1 ये, तो कितनी हो गई, ये 7 तो ये हो गई, यानी कि प्रकृति विकृति और ये प्रकृति। षोडशस्तु विकारः, 16 क्या होते हैं, 5वें स्थान पर रख लो ना, 16 क्या है, ये विकार हैं। विकार का क्या तात्पर्य है, जो किसी से उत्पन्न तो होते हैं लेकिन किसी को उत्पन्न नहीं करते, मैं इसका बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी। ना प्रकृति ना विकृति पुरुषा, 6वें स्थान पर पुरुष को लिया गया है, ये ना तो प्रकृति है ना विकृति। अब थोड़ा सा इसको जानते चलें, मैं फिर एक चार्ट दे दूंगा इससे आपको सही से समझ में आ जाएगा। इनमें से ही प्रश्न आ जाते हैं, कारिका हैं, इनके 10-10 प्रश्न दिए हैं समझाने के लिए, आप विस्तृत अध्ययन भी कर सकते हैं। मूल प्रकृति के बारे में कहा गया ये अविकृति है, ठीक है, अविकृति यहां दे रखा अविकृति। अविकृति का मतलब क्या होता है, विकृति समझ लो, प्रकृति और विकृति, कारण होता है ये और ये कार्य होता है, विकृति मतलब कार्य। इसको मैंने तर्क भाषा में द्वितीय जो दूसरा वीडियो है शायद उसमें मैंने बड़े अच्छे समझाया है, आप जाकर के उसमें अध्ययन करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके समझ में आ जाएगा, यहां पे भी समझा रहा हूं। प्रकृति का मतलब जो जन्म दे लेकिन जन्म ना ले किसी से, समझना इस बात को, जैसे तत्व है जल है H2O से बना, तो जल हो गया कार्य, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, वो किसी से जन्म नहीं लेती, वो स्वयं स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं। अब कोई कहे कि ऑक्सीजन किससे बना, तो किसी से नहीं बना, वो फिर तोड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वो फिर तोड़ने की व्यवस्था अलग हो जाएगी, लेकिन तत्व का मतलब होता है जो स्वयं अपने आप से है, वो किसी से निर्मित नहीं है, उससे चीजें बनती हैं, वो विकृति के अंतर्गत आती है, कार्य के अंतर्गत। तो जल कार हो गया और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रकृति हो गए, ठीक है। तो यहां पर जो कारण है और ये कार्य है, कारण मतलब
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार मतलब जल, प्रकृति मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, विकृति मतलब जल। आ रही हो बात समझ में? चलिए, तो प्रकृति विकृति इसमें चले गए, वो किसी से उत्पन्न नहीं होती, मूल प्रकृति मूल इस कार्य का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा कह रहे हैं महत महत बुद्धि अहंकार और तन मात्रा, ये प्रकृति भी है और विकृति भी है, ठीक है, ये प्रकृति भी है और विकृति भी है, सात हैं ये, पांच तन्मात्राएं अहंकार और महत तत्व बुद्धि, ये स्वयं तो उत्पन्न होती ही होती है लेकिन दूसरों को भी ये जन्म देती है, इसीलिए कारण और कार्य दोनों है ये, ठीक है। सोलह विकार जो हैं वो पंच महाभूत इसमें आ जाएंगे और ग्यारह इंद्रियां पंच महाभूत, छित जल पावक गगन समीर, ये पंच महाभूत हैं और ग्यारह इंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां और एक मन, ये ग्यारह इंद्रियां हो गए, ग्यारह और पांच सोलह विकार हैं, ये किसी को उत्पन्न नहीं करते, उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तो ये किसी के कार्य हैं, कारण नहीं है, इसलिए इनको विकार बोला गया, ठीक है। विकार का मतलब कार्य। पुरुष ना तो किसी को जन्म देता है ना किसी से जन्म लेता है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में, इसी को आत्मा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। आत्मा ना किसी से संलिप्त है, ना जुड़ी है, ना मरी है, ना जन्म लेती है, ना मृत्यु को प्राप्त होती है, सारी बातें इसी से संबंधित है, क्यों, क्योंकि ये ना तो जन्म ले सकती है ना दे सकती है, इसलिए इसको पुरुष बोला गया है, ठीक है। पुरुष को प्रकृति विकृति ना प्रकृति ना विकृति। चलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा चार्ट बना दूंगा आपको बड़े अच्छे से, फिर ये हमेशा आगे लिए याद रही आएंगे आपको, जो कुछ था वो मैंने बता दिया इसमें अब कुछ बचा नहीं है। देखिए मूल प्रकृति को सबसे प्रथम रख लो, ये मूल प्रकृति है, ये किसी से जन्म नहीं लेती, महत तत्व इसे जन्म लेता है, ठीक है। महत तत्व इसको बुद्धि तत्व भी बोल सकते हैं आप, बोलते ही हैं। ये क्या है, ये इसकी विकृति है, विकृति मतलब कार्य, समझ लेना एक बार में, और ये प्रकृति भी है। प्रकृति किसकी है, आगे जो भी जिसको जन्म देगी उसकी प्रकृति है, इसकी विकृति है, ठीक है। तो इसकी क्या है, ये विकृति इसकी मूल प्रकृति की, और महत्तत्व तो प्रकृति किसकी है, अहंकार की, और अहंकार प्रकृति है, कारण है, प्रकृति को कारण बोला जाता है, याद रखना आगे आने वाले का, और ये विकृति है किसका, महत्तत्व का। अहंकार दो भाग कर दिए जाते हैं, दो तीन जन्म लेती है, एक तो पांच तन्मात्राएं इनका ये प्रकृति है, अहंकार पांच तन्मात्राओं की, ठीक है। कौन कौन सी ये पांच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है। यहां ग्यारह इंद्रियां हैं, ग्यारह इंद्रियां में आप मानो पांच कर्म इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां और एक मन, ठीक। तो ये क्या है, ये विकार है, ये विकृति है, ये प्रकृति नहीं है, ये कार्य है। इनकी प्रकृति क्या है, अहंकार है, अहंकार की प्रकृति महत्तत्व, महत्तत्व की प्रकृति मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति का विकार महत्तत्व, महत्तत्व का विकार अहंकार, अहंकार का विकार एंड विकृति तन्मात्रा, याद रखना इनको, विकार है ये, विकृति कार्य, ठीक। अब तन्मात्राओं की प्रकृति भी है, तन्मात्राएं प्रकृति भी है, क्यों, क्योंकि इसमें शब्द से आकाश पैदा होता है, पंच महाभूत की बात कर रहे हैं, आकाश पैदा हुआ, स्पर्श से वायु जन्म लेती है, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी, ठीक है।
इस तरह से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं, ये विकृति हैं, विकार हैं। ये जो पंच महाभूत हैं ये विकृति हैं, अर्थात कार्य हैं, विकार हैं। ये किसी से जन्म तो ले सकते हैं लेकिन किसी को जन्म दे नहीं सकते। तो आशा करूंगा ये छोटी सी चर्चा थी आपको समझ आ गई होगी। अब विस्तृत आगे इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।